अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हो सभी लोग? तो गाइस उम्मीद करता हूं खैरियत होंगे। तो आज मैं इस वाली वीडियो के अंदर माइन करने जा रहा हूं 500 के प्लस डार्क वुड, जो कि मैं करूंगा मिनियंस के जरिए और साथ में फोर्जिंग के जरिए। मेरे पास ट्री कैपिटेटर और फार्म बोर्ड्स वगैरह, गाइस हम करेंगे जल्दी जल्दी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं अपने डार्क ओक वाले जोन के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं अपनी फोर्जिंग। मेरी इन्वेंटरी में पर्सनल कॉम्पैक्टर भी पड़ा है, पर्सनल का फैक्टर 6000, जो कि इसे ऑटोमेटिकली एन्चेंटेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं आपको अभी अपनी कलेक्शन दिखाऊं डार्क ओक की, तो मेरे पास कलेक्शन है अपनी 900 के, जो मैं टॉप 66 पे हूँ सर्वर के अंदर एंड मुझे इसे इंक्रीज करना था। देन मेरे पास सारा सामान कंप्लीट हो चुका था डीपर लैगिंग्स के लिए, तो मैं इसे भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। अब हमारे सिर्फ बोट रह गए हैं, वो भी क्राफ्ट कर लेंगे। देन अगेन से मैं फोर्जिंग करने के लिए आ गया। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन लगे थे। अपने मिनियन से सामान भी लूट लेते हैं। तो ऐसे करते करते मैंने 3-4 दिन तक अपनी 52 स्टैक्स ऑफ एन्चेंटेड डार्क वुड बना ली थी। सो अब मुझे उसे सेल भी करना था, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरे पास इतनी वुड थी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ऑक्शन हाउस के अंदर और सारी ऑक्शन हाउस में वुड लगा लेते हैं जितनी लगा सकते हैं हम। देन यहाँ पर आकर मैं एक बंदे को सेल करता हूँ अपना ग्रोथ आर्मर 2 मिलियन के अंदर। एंड अगर आप अपनी कलेक्शन देखी जाए, तो मेरे पास कलेक्शन हो चुकी थी 1,453 के, यानी कि आलमोस्ट 1.5 मिलियन हमारी कलेक्शन हो चुकी थी और मैं टॉप 27 पे आ चुका था। देन मैं मार्केट जोन में आके बाय करता हूँ अपने लिए नेदर ब्लॉक्स। यहाँ पर आयरन पे मैंने एक बंदे को 3 मिलियन कॉइन दे के आउटलाइन बनाई थी अपनी सर्कल की, और ये गाइस सब कुछ बनाया था मैंने 3 मिलियन के अंदर। और डेड ब्लॉक ये गाइस मैंने खुद ही लगाए थे, ग्रास ब्लॉक, और इससे मैंने बनाने थे गाइस 4 बायम, अपना ओवरवर्ल्ड, डेजर्ट और नेदर और साथ में एक एंड वाला। तो सबसे पहले लगा लेते हैं अपने लिए गाइस अब नेदर ब्लॉक्स जल्दी जल्दी, और गाइस थोड़ी देर के लिए बिल्डर वाहन भी रेंट पर ले लेते हैं। तो इस वाले बंदे से मैं बाय करता हूँ, बाय नहीं रेंट पर लेता हूँ बिल्डर वाहन अपनी 10 मिनट के लिए सिर्फ 50,000 कॉइन्स के अंदर। ये कंप्लीट करने के बाद मैं बाय करता हूँ सैंडस्टोन और उसे भी बिल्डर वाहन की मदद से जलेली लगा देता हूँ। देन हमारी लास्ट बायम रह गई थी जो कि आनी थी ऑब्जीडियन वाली, और गाइस ऑब्जीडियन आपको पता है कितनी ज़्यादा प्राइस है इसकी बाज़ार के अंदर। तो एक ऑब्जीडियन की प्राइस हमारी 100 कॉइन होती है। अगर हम बाय करेंगे 100 स्टैक्स तो उसकी प्राइस लगभग गाइस 100 के कॉइन्स हो जाएगी। तो मुझे तकरीबन 200 कॉइन्स के ऑब्जीडियन बाय करना पड़ा है। तो यहाँ पर मेरा बिल्ड कम्प्लीट हो चुका था। तो अब मैं दिखा रहा था बिल्ड कैसा लग रहा था मेरा। तो अभी बिल्ड कंप्लीट तो नहीं होता, इस पर स्ट्रक्चर वगैरह बनाने थे मैंने, तो बाद में बनाएंगे गाइस। तो यहाँ पर मैंने बिल्डर वन उसकी वापस कर दी थी। पर्टिकुलरली इतना ही। तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस इस वाली वीडियो के अंदर मैंने तकरीबन 5 मिलियन कॉइन्स अर्न कर लिए थे, तो बाद में मैंने सेल कर दिए थे। आई नो कि वीडियो बहुत लेट आ रही है क्योंकि गाइस स्कूल हमारे ओपन होने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लेट आया करेगी।
और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, या किस यानी कि मनी ट्रिक पे चाहिए, आपको कोई और चीज़ पे चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना है। जिसका कमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं उसका पिकअप कर लूँगा। तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।